हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज हम लोग बात करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में। तो देखो, आईयूपीएसी नेमिंग का सिंपल सा मतलब जो है ना, वो ये है कि एक ऐसा नाम जो दुनिया के कोने कोने में वैलिड हो। सिंपल सा मतलब यही है। क्यों? क्योंकि देखो, प्रॉब्लम क्या होगी, जैसे मैं एक एग्जांपल लिया HC:OH। अब इंडिया में मान लो इसको बोल रहे हैं फॉर्मिक एसिड, इंग्लैंड में इसको बोलेंगे मैथेनोइक एसिड। तो प्रॉब्लम क्या होगा, इंडिया वाले इंग्लैंड में गए बोले मैथेनोइक एसिड दो तो समझ जाएंगे, बोलेंगे फॉर्मिक एसिड हो तो समझेंगे नहीं। तो ये सब कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए एक कमिटी बैठाई गई और उन लोगों ने एक सर्टेन रूल फिक्स किया कि इस रूल के अकॉर्डिंग नेमिंग करेंगे। इसीलिए आईयूपीएसी नेमिंग में डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे बहुत डरते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये रटना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता। वेरी सिंपल, आईयूपीएसी नेम का सिंपल सा मतलब आपके माइंड में आना चाहिए, एक ऐसा नाम जो सारी दुनिया में वैलिड हो। तो उसके लिए कुछ रूल फिक्स किए गए, उस रूल को फॉलो करना है। लेकिन रूल को ब्रेक करना तो जानते ही हो, तो देखो कैसे हम ट्रिक से करेंगे। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले क्या है, एक रूल फिक्स किया गया कि इतने सारे जो फंक्शनल ग्रुप हैं तो उसमें किसको प्रायोरिटी दी जाए, किसको इज्जत दिया जाए, राइट। तो एक प्रायोरिटी ऑर्डर फिक्स किया गया है और उस ऑर्डर को याद रखना है। तो वो कैसे याद रखेंगे, रफ़ी सर के सिंपल ट्रिक से। तो देखिए, अगर सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में किसको दिया गया, कार्बोक्सिलिक एसिड को, ओके, फिर सल्फोनिक, फिर आपका ये एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर एसिड हैलाइड, फिर अमाइड, फिर साइनाइड, फिर आइसोसाइनाइड, फिर अल्डिहाइड, ओके, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल, फिर थायो अल्कोहल, फिर अमाइन, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन, फिर एल्केन, फिर ईथर, फिर हेलो, फिर नाइट्रो। तो ये टोटल 19 फंक्शनल ग्रुप हमने लिख दिए हैं उसके प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे। मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा इज्जत किसको है, कार्बोक्सिलिक को, उसके बाद इसको एंड सो ऑन। अब इसको उसी ऑर्डर में कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए हमने सिंपल सा ट्रिक लिया है। देखो, कार्बोक्सिलिक में कौन सा वर्ड आ रहा है, कार, तो मैंने वहाँ से ले लिया कार। जितने भी सल्फर वाले हैं उसके लिए एस से मैंने यूज किया है, तो सल्फोनिक एस से, कार से। ये हो गया आपका एनहाइड्राइड से एनी वर्ड लिया, एनी, ये हो गया एस्टर, एस्टर से मैंने बना लिया सिस्टर, एस्टर से सिस्टर, जस्ट कनेक्शन है, राइट। एसिड हैलाइड, एसिड से ऐसा, और हैलोजन में क्लोरीन बात है तो ऐसा कल, एसिड हैलाइड से ऐसा कल। अमाइड, आइमा, अमाइड से मैंने बना लिया आइमा। साइनाइड से साइना, आइसोसाइनाइड से आइस, राइट, आइसोसाइनाइड से आइस। COH लिखते हैं इसको, तो उससे बना लिया चोर, आइस चोर। C O से ये इसको पढ़ोगे क्या, को, OH अल्कोहल, लास्ट में हॉल आता है तो हॉल। फिर सल्फर आया तो से, NH2 से नहीं, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 2, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3, सिंगल बॉन्ड है तो 1। OR इस साइड से पढ़ेंगे तो ROOM, रूम। हेलो, ब्रोमीन से बाहर, फ्लोरीन से फेको, NO2 से नाला में। तो देखो, राइमिंग वर्ड कैसा है समझो, कनेक्शन कैसा है समझो, कि कार से एनी सिस्टर, ऐसा कल बोली, यहाँ तक का वर्ड का मतलब क्या हुआ, कार से एनी सिस्टर ऐसा कल बोली, मतलब सीन कैसा है कि एक एनी सिस्टर नाम कि जो लेडी है वो कार से कहीं जा रही थी, तो कार से एनी सिस्टर ऐसा कल बोली, किसको बोली, आइमा साइना को, क्या बोली, आइस चोर को। आइमा साइना को क्या बोली, कि आइस चोर को हॉल से नहीं 231 रूम से बाहर फेंको नाला में। डैट मीन्स एनी सिस्टर को मालूम था कि उसके हॉस्पिटल में जो आइस चुराने वाला है वो 231 रूम में है। तो वेरी सिंपल है, राइट। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो स्टार्टिंग में जितने भी हैं सब में ध्यान से देखो, ये ग्रुप कॉमन है, C:O कार्बोनिल, ये कॉमन है, राइट। जैसे C:O तब OH है, राइट, C:O तब ये OCR है, C:OR है, C:OX, जितने भी कार्बोनिल वाले हैं वो सबसे पहले आए हैं, ये सब प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आते हैं, उसके बाद ही आते हैं। तो ये 1-9 जो हमने लिखा है, ये 1-9, इन सब को हम डॉन फंक्शनल ग्रुप भी बोलेंगे। इसका नाम मैं क्या रखूंगा, डॉन फंक्शनल ग्रुप। क्यों? क्योंकि डॉन जहां खड़ा होता है वहां से
लाइन शुरू होती है, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे होंगे, 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 ये सब में नेमिंग कार्बन की स्टार्टिंग वहीं से हो जाएगी। ओके, तो ये भी मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा 99% कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप यूज होते हैं, उसको मैं टिक कर रहा हूँ, उसको आपको ध्यान ही रखना है। कार्बोक्सिलिक सबसे ज़्यादा यूज होता है, राइट, सल्फोनिक यूज नहीं होता, एनहाइड्राइड भी बहुत कम यूज होते हैं, एस्टर कभी कभी यूज होते हैं, जाने दो, एसिड हैलाइड यस ये यूज हो जाता है आपका, अमाइड वेरी रेयर, साइनाइड जरूर यूज होता है, राइट, और अल्डिहाइड जरूर। तो इसमें से ये चार जरूर यूज होते हैं, और इधर वाले जितने भी लिखे हुए हैं 1-9 ये सब के सब क्या है, डॉन फंक्शनल ग्रुप। डॉन फंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब क्या हो गया कि ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जहाँ पे कार्बन की नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, क्योंकि डॉन जहाँ खड़ा होता है वहीं से लाइन स्टार्ट होती है। तो ये बात समझ में आ गई। तो इसमें कौन कौन ध्यान में रखना है आपको, ये वन वाला, राइट, कार्बोक्सिलिक वाला, ये एसिड हैलाइड वाला, ये साइनाइड वाला, राइट, और ये अल्डिहाइड वाले, ये चार बहुत यूज होते हैं। 99% आपको आईपीएससी नेमिंग इन्हीं में से होगा। सिमिलरली इधर में किसको याद रखना है, तो यस कीटो वर्ड आते हैं, अल्कोहल यूज होता है, राइट, एल्कीन तो खैर होगा ही, या एल्काइन या एल्केन तो होते ही हैं, राइट, और ये तीनों बेचारे वो हैं जो परमानेंट बेइज्जती वाले हैं। परमानेंट बेइज्जती समझे कि ये ऑलवेज प्रीफिक्स में आएंगे, इनका नेमिंग आपको पहले ही कर देना है, इसको ज़्यादा भाव नहीं देना है। जिसका सफिक्स है मतलब वो इज्जतदार लोग हैं, इज्जतदार लोग कहने मतलब कि उनका नाम आराम से पीछे हम लेंगे, राइट। लेकिन कौन कौन, तो ये आपका ईथर और जितने भी हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड नाइट्रो, ये तीनों एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनकी परमानेंट बेइज्जती होती है। कहने का मतलब वो ऑलवेज प्रीफिक्स में यूज होंगे, पहले नेम से पहले यूज होंगे, नेम के बाद इसको यूज नहीं करते हैं। एक पॉइंट और क्लियर है कि अब अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गया आपकी नेमिंग में, अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो इसीलिए उसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर बताया गया, राइट। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक से ज़्यादा होगा तो जो प्रायोरिटी में पहले आ गया उसको इज्जत देना है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, प्रीफिक्स में आ जाएंगे। इस बात को भी क्लियरली समझ लो कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो किसी एक को प्रायोरिटी मिलेगी, डैट मीन्स उसको लिए सफिक्स यूज करेंगे, बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप बचे उसमें सबके लिए प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। बट ये वाले वैसे हैं जो ऑलवेज प्रीफिक्स में यूज होते हैं, कौन कौन, तो ईथर, हेलो, नाइट्रो। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके लिए हम बात करते हैं कि इसको कैसे हमें अप्लाई करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं IUPAC नेमिंग ट्रिक्स के बारे में। तो ध्यान से देखो, आप किसी भी कंपाउंड का जब नाम लिखोगे तो आपको ये पांच चीज़ें यूज करना पड़ेगा, जिसको मैंने लिस्ट आउट किया है कि आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब IUPAC नेमिंग करेंगे तो आपको वर्ड रूट लगाना ही है, ये आपको ऐड करना ही है, और 1 डिग्री सफिक्स ये ऐड होंगे ही। 1 डिग्री सफिक्स में कौन कौन है, एन, अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो एन लगेगा, अगर एक भी पाई बॉन्ड आ जा रहा है तो इन लगेगा, और अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आइन लगेगा, राइट। सिमिलरली वर्ड रूट, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चैन आप सेलेक्ट करेंगे, अगर वो 2 कार्बन के है तो ईथ, 3 कार्बन के है तो प्रोप, एंड सो ऑन, यू नो ऑलरेडी। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेमिंग करें, ये दोनों चीज़ें तो आएंगी, इसलिए हमने लिखा है मस्ट, ये दोनों चीज़ें आएंगी। बाकी जो 3 चीज़ें हैं, जैसे 2 डिग्री सफिक्स, तो ये अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो आएगा, नहीं प्रेजेंट होगा तो नहीं भी आएगा, राइट। सिमिलरली 1 डिग्री प्रीफिक्स तभी आप लगाएंगे जब साइक्लिक कोई स्ट्रक्चर होगा, अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तभी 1 डिग्री प्रीफिक्स आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, राइट। सिमिलरली 2 डिग्री प्रीफिक्स कब आएंगे, जब आपका हैलोजन कोई ग्रुप लगा होगा, अटैच होगा हैलोजन या नाइट्रो या फिर ईथर, अगर ये सब फंक्शनल ग्रुप है तो ही 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा, राइट। तो यहाँ पे आप समझ लें कि वर्ड रूट एंड 1 डिग्री सफिक्स इज फिक्स मस्ट, ये आएगा ही, बाकी जो 3 है वो डिपेंड करता है, अगर वो कंपाउंड में प्रेजेंट है तो आएंगे, नहीं प्रेजेंट है तो नहीं भी आएंगे, राइट। नाउ एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब आप प्रायोरिटी ऑर्डर, जो आपको ट्रिक दे रखा हूँ उसको जब आप असाइन करेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर से कोई एक ही फंक्शनल ग्रुप आपका सफिक्स बनेगा, डैट मीन्स वही पीछे
ऐड होंगे, बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे सब के सब आपके कहाँ पे आ जाएंगे, टू डिग्री प्रीफिक्स में। इस पॉइंट को क्लियरली समझे, अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा तो प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे कोई एक फंक्शनल ग्रुप आपका टू डिग्री सफिक्स में आएगा, बाकी सब के सब किस में आ जाएंगे, टू डिग्री प्रीफिक्स में। इसलिए मैं कहता हूँ इसको, ये वाला जो है कौन कौन, हेलो नाइट्रो एंड ईथर वाले, ये परमानेंट बेइज्जती वाले हैं। परमानेंट बेइज्जती मतलब समझे कि इनको ऑलवेज पहले लिख देना है, इनका कोई इज्जत नहीं, इसको पहले लिख देना, राइट। और अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे उसमें किसी एक को ही प्रायोरिटी मिलेगी, तो बाकी सब के सब टू डिग्री प्रीफिक्स में जाएंगे, तो उसको मैं बोलूँगा टेम्प्रोरी बेइज्जती। टेम्प्रोरी बेइज्जती इन द सेंस कि अगर वो अकेला होता तो वो सफिक्स में आता, बट अगर तीन चार के साथ है तो फिर उसकी इज्जत थोड़ा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें से किसी एक को इज्जत मिलेगा, मतलब एक टू डिग्री सफिक्स में जाएगा, बाकी सब के सब टू डिग्री प्रीफिक्स में आ जाएंगे, इसलिए वो टेम्प्रोरी बेइज्जती वाले। बात समझ में आ गई? लेकिन ये परमानेंट, ये ऑलवेज टू डिग्री प्रीफिक्स में, ये तभी यूज होंगे जब कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, और ये दोनों तो मस्ट है, आएंगे ही। तो ये पहले ये पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा। इस पॉइंट को मैंने एक सिंपल एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश की है कि आप ध्यान से देखो। तो यहाँ पे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड वाला लिया, सी डबल बॉन्ड OH, राइट। तो ये डॉन फंक्शनल ग्रुप होते हैं, डॉन फंक्शनल ग्रुप के केस में नेमिंग आपको वहीं से स्टार्ट करना होता है, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, राइट। तो इसका नाम क्या हुआ, ध्यान से देखो, 3 पे नाइट्रो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और जो फंक्शनल ग्रुप है वो ओइक एसिड आप लेंगे। तो मैं इससे ये चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ कि ध्यान से देखो, वर्ड रूट इज वॉट, ये आपका वर्ड रूट हो गया, ये यूज होगा, ये मस्ट है, और एन या इन या आइन जो यहाँ यूज हुआ, राइट, तो ये आपका मस्ट है, ये आएगा। इसलिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपैक नेमिंग करेंगे आप तो वर्ड रूट एंड वन डिग्री सफिक्स इज फिक्स, ये तो आएगा ही। ये जो ओइक एसिड आया है, ओइक एसिड, ये क्या आपका, यही है टू डिग्री सफिक्स, राइट। और ये जो नाइट्रो आया है, यही क्या आपका, टू डिग्री प्रीफिक्स। तो वही मैंने बोला कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब आप नेमिंग करते हैं तो ये ऑर्डर ऑलवेज फॉलो होगा, टू डिग्री प्रीफिक्स पहले आएंगे, अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर आ रहा है तो वन डिग्री प्रीफिक्स से पहले आएंगे, वर्ड रूट से पहले ये दोनों आएंगे, वर्ड रूट के बाद वन डिग्री सफिक्स लगेगा, आइदर एन इन या एन, और उसके बाद आपका टू डिग्री सफिक्स लगेगा। तो आई होप ये क्लियर होगा। नाउ अब हम बात करते हैं वो ट्रिक की जिससे आप किसी भी आईयूपैक नेमिंग वाले क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लोगे। कैसे? तो रफी सर का ये ट्रिक ध्यान में रखो। सबसे पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है, प्रायोरिटी ऑर्डर को आप पहचान लो, राइट। तो वो सिंपल है क्योंकि उसका मैंने ट्रिक दे रखा है, कार से एनी सिस्टर ऐसा कल बोली, आयमा साइना आइस चोर को हॉल से नहीं 231 रूम से बाहर फेंको नाला में, राइट। तो ये ट्रिक मैं दे रखा हूँ तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कौन फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले। एक बार उसका प्रायोरिटी ऑर्डर आपने असाइन कर लिया तो उससे आपको चार ऑप्शन गिवन होंगे, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि एंड में क्या लगेगा। जैसे यहाँ पे ओइक लगेगा क्योंकि ये प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले है। अगर मान लो कहीं पे प्रायोरिटी अल्कोहल है, अल्डिहाइड है, राइट, और कीटोन है, तो यू नो प्रायोरिटी ऑर्डर में अल्डिहाइड आएंगे, तो लास्ट में क्या लगना चाहिए, अल। तो आप वो ऑप्शन को चेक करेंगे जिसमें लास्ट में अल लगा हुआ है। तो ये पॉइंट का ये मतलब है कि उससे आपको एंड में क्या ऐड करना है वो पता लग जाएगा प्रायोरिटी ऑर्डर से। सिमिलरली प्रायोरिटी ऑर्डर से ये भी आपको पता लग जाएगा कि जो फंक्शनल ग्रुप है अगर वो डॉन है तो नंबरिंग हमको वहीं से स्टार्ट कर देना है, अगर वो डॉन फंक्शनल ग्रुप होंगे, क्योंकि डॉन जहाँ खड़ा होता है वहीं से लाइन स्टार्ट होती है। तो डॉन फंक्शनल ग्रुप कौन है वो भी मैंने लिस्ट आउट किया, 1 से 9 वाले जो प्रायोरिटी ऑर्डर में जितने भी कार्बोनिल वाले हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्डिहाइड है आपका, राइट, साइनाइड है, ये सब डॉन फंक्शनल ग्रुप है, तो इस केस में नंबरिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। और अगर ये नहीं है तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर में जो ग्रुप पहले आते हैं तो उसका लोकेंट या उनका पोजीशन नंबरिंग में लोएस्ट रखना है, तो उससे भी हमें आइडिया लग जाता है, डेट इज कॉल्ड लोएस्ट पोजीशन, कि वो लोएस्ट पोजीशन पर आना चाहिए, तो उससे भी हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट वही है कि अगर डॉन फंक्शनल ग्रुप मैन चेन में नहीं आता है, कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि डॉन फंक्शनल ग्रुप आपका मैन चेन में नहीं होगा, तो अब तब उसको आपको फुल नेम लिखना है, डेट मीन्स उसको फुल इज्जत देना। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइप का आपको कंडीशन आ गया, तो यू नो ये डॉन फंक्शनल ग्रुप है, राइट। अब ये डॉन फंक्शनल ग्रुप है लेकिन कार्बन की चेन अगर सेलेक्ट करेंगे तो 1 ही हो पाएगा, क्योंकि आप
ओपन चेन से रिंग में नहीं जा सकते और रिंग से ओपन चेन में नहीं जा सकते। तो इस केस में एक कार्बन के चेन तो बना नहीं सकते, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपका जो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है वो देखो जो मेन चेन है उसमें नहीं आया। तो वही पॉइंट है कि अगर डॉन फंक्शनल ग्रुप आपका मेन चेन में नहीं आता है तो इन दैट केस इसका नाम जो लिखना है वो पूरा पूरा लिखना, इसको फुल इज्जत देना, लाइक कार्बल्डिहाइड, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सेलेक्ट करना है। बट ये पॉइंट कहीं कहीं पे थोड़ा दिक्कत में भी आएगा, कैसे, अगर डॉन फंक्शनल ग्रुप होंगे तो हो सकता है कि वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ना भी हो, क्यों, क्योंकि नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करना होता है। तो डॉन फंक्शनल ग्रुप को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी केस में आपको कोशिश करना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करें। ओके, चौथा पॉइंट, इससे भी बहुत सारे ऑप्शन को आप इलिमिनेट कर सकते हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करने का मतलब क्या है कि जो अल्फाबेट में ए बी सी डी आते हैं वो जो भी नेम होंगे, लाइक एमिनो है तो पहले ए आया उसमें, इस टाइप से, राइट। बट ध्यान रहे कि डाई ट्राई टेट्रा जो आप नंबर को बताते हैं वो प्रायोरिटी ऑर्डर में, दैट मीन्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो कंसिडर नहीं किए जाते हैं। और एक लास्ट में जब आप सपोज करो कि ये सब चीज़ें सेम हो रही हैं, इन सब चीज़ों से नहीं आप आइडेंटिफाई कर पा रहे ऑप्शन, तो लास्ट में आपको ये भी काम आएगा कि सम ऑफ ऑल लोकेंट आपको करके देखना है, वो जिसका मिनिमम होगा ज़्यादा चांसेज है वही आपका आंसर होगा। तो ये है रफ़ी सर का ट्रिक, ध्यान से देखो, मैं जस्ट एक मरतबा समराइज कर रहा हूँ कि आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पहले चेक कर लेना है उस ट्रिक से, उससे आपको इंड में क्या ऐड करना है वो पता लग जाएगा, और उस फंक्शनल ग्रुप का लोएस्ट पोजीशन रखना है उससे आपको ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर ये नहीं हुआ तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, उससे भी आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर ये सब चीज़ें सेम हो जा रही हैं तो सम ऑफ लोकेंट से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। तो इस पॉइंट के थ्रू मैं आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे हम चार ऑप्शन गिवन होगा तो आईयूपैक नेमिंग के क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। एक पॉइंट और यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि अगर लोकेंट पोजीशन सेम है फ्रॉम बोथ साइड, जैसे इस केस में देखो अगर किसी ने नंबरिंग इधर से किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इधर से किया, तो ध्यान से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो दोनों तरह से आप आइदर साइड से नंबरिंग कर लो। इस केस में क्या हो रहा है कि दोनों साइड से सेम लोकेंट पोजीशन आ रहा है, जैसे इधर 2 पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे 4 पे होगा, यहाँ पे भी 4 पे मिथाइल है, इधर 5 पे मिथाइल, इधर भी 5 पे मिथाइल है। तो अगर दोनों तरफ से, ध्यान रहे, अगर दोनों तरफ से सेम लोकेंट पोजीशन सब कुछ सेम अगर आ जाए तो इन दैट केस डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना ओवर ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए आपकी नंबरिंग इधर वाली करेक्ट होगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पे इस पॉइंट का भी यूज हो जाता है, बट कंडीशन है कि अगर दोनों तरफ से नंबरिंग करने पे लोकेंट पोजीशन एवरीथिंग जब सेम है तब डबल बॉन्ड विल गेट प्रायोरिटी ओवर ट्रिपल बॉन्ड। तो आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, आप इसको एक मरतबा अच्छे से समराइज कर लें। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे चार प्रॉब्लम लिया है कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे पहला ये है और चार ऑप्शन गिवन है, आप कैसे एलिमिनेट करोगे। तो आप ध्यान से देखो, तो इसमें एक कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है और एक आपका ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, दो है। तो यू नो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले कार्बोक्सिलिक आएगा और ये डॉन फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अब नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा तो लास्ट में क्या आएगा, ओइक एसिड आएगा, राइट। तो ध्यान से देखो, ओइक यहाँ पे है, यहाँ पे 6 पे कह रहा है ओइक, तो 6 पे तो होगा नहीं क्योंकि नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगा, तो ये ऑप्शन गया। कैसे एग्जाम में करते हैं, ये ऑप्शन गया। सिमिलरली 6 यहाँ पे कर दिया, 6 पोजीशन पे तो आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन गया। अब बच गए दो ऑप्शन, यहाँ भी ओइक एसिड है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 6 है, तो हेक्स हेक्स ये भी सही है। अब ध्यान से देखो तो 2 पे ही मिथाइल है, राइट, 2 पे मिथाइल है और 5 पे ऑक्सो है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो 5 पे ऑक्सो यहाँ है और 2 पे मिथाइल यहाँ पे, ये फॉर्मल नहीं है क्योंकि फॉर्मल डिहाइड नहीं है, ये कीटोन है, तो ऑक्सो वर्ड यूज करेंगे और 2 पे मिथाइल है। प्रायोरिटी ऑर्डर अल्फाबेटिकल ऑर्डर ध्यान से देखो, एम एन ओ उसके बाद एम के बाद ओ, तो ये भी फॉलो हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा, 1। सिंपल, इस तरीके से आपको करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि इसमें आपसे पूछा जा रहा कि कौन प्रायोरिटी ऑर्डर का करेक्ट ऑर्डर है, राइट।
तो वही अपना रफ़ी सर का सिंपल ट्रिक लगाओ कि कार से एनी सिस्टर ऐसा कल बोली आयमा, तो ये अमाइट जो है वो बाद में आता है, ये पहले आ गया इसलिए ये ऑप्शन गया। यहाँ पे देखो कार से आ गया, एनी सिस्टर ऐसा कल बोली आयमा साइना, तो ये बराबर ऑर्डर में आ रहा, तो ये हो गया। ये क्यों गलत है, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें एनएस टू को पहले कर दिया है, राइट। और ये क्यों गलत है, तो आप देख सकते हो कार से एनी सिस्टर ऐसा कल बोली, तो ये पहले आना चाहिए था फिर आयमा, तो इसलिए ये सब आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, तो आप इसमें ध्यान से देखो, तो आपके पास टोटल 4 फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड, एक कीटोन, एक ही डबल बॉन्ड, एक ही नाइट्रो, 4 फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें से किसी एक को प्रायोरिटी मिलेगी, और प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे यू नो एल्डिहाइड सबसे पहले आता है, तो इसको 2° सफिक्स में लिखेंगे। बाकी ये वाले जो कीटोन है, अगर अदर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो फिर ये 2° सफिक्स में आता, लेकिन अभी ये 2° प्रीफिक्स में चले जाएंगे, दैट इज टेम्पररी बेइज्जती, राइट। ये आपका 1° सफिक्स में आ जाएगा इन, और ये तो ऑलवेज परमानेंट बेइज्जती वाले थे, 2° प्रीफिक्स में आएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको पता लग गया कि प्रायोरिटी ऑर्डर में ये पहले आते हैं, और डॉन फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये आपका 7, राइट। तो ये आपने नंबरिंग कर दिया। अगर हमें ऑप्शन सब जाना हो तो यू नो कि प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर ये आया तो लास्ट में अल वर्ड लगना चाहिए, अल तो आपका सम में लगा हुआ है, और ये जो अल है वो 1 पे ही है, राइट। और ध्यान से देखो 3 पे क्या होना चाहिए आपका, ऑक्सो ग्रुप, और 4 पे आपका इन वर्ड। तो देखो ध्यान से देखो कहाँ पे 3 पे ऑक्सो है, 3 पे ऑक्सो है और 4 पे इन है, राइट। और टोटल 7 कार्बन के, तो हेप्ट वर्ड है, तो ये हेक्स था, तो इसलिए ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं था, राइट। और इनमें थे, बट 4 पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है 4 पोजीशन पे, तो ये 3 था, तो ये क्या, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। और ध्यान से देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, ये भी फॉलो होना चाहिए, इन सब से भी हम पहचान सकते हैं। तो जस्ट मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि आपके पास 4 ऑप्शन है तो डेफिनेटली आप करेक्ट ऑप्शन तक चले जाओगे, अगर रफ़ी सर के वो 4 पॉइंट को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो। तो ध्यान से देखो एम एन ओ, ये ऑर्डर फॉलो हो रहा था, यहाँ पे इससे भी हम कट कर सकते हैं, एम के बाद ओ फिर एन किया, इसलिए ये किया एम एन ओ, ये तो फॉलो हो रहा था, बट यू नो 1, 2, 3, 4 पे इन था, 3 पे किया इसलिए ये किया। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से हेप्ट थी 7 कार्बन की, यहाँ पे हेक्स कैसे ले गया, इस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, तो अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं इधर से करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। तो कहाँ कहाँ पे आ रहा, ध्यान से देखो 2 पे और 4 पे, अगर कोई इधर से करे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे भी 2 पे डबल बॉन्ड आ रहे हैं और 4 पे, तो दोनों तरफ से नंबरिंग जो पाई बॉन्ड की पोजीशन है वो सेम हो रही है, तो ऐसे केस में आपको बताया था एक पॉइंट, फिर हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे देते हैं, और वैसे भी इधर लोएस्ट लोकेंट पोजीशन हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो तो क्या होने वाला है, 2 पे ब्रोमो आना चाहिए, 2 पे ब्रोमो 2 ऑप्शन में, और 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स, तो ये भी हैं क्योंकि ये 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं आपके। नाउ नेक्स्ट ध्यान से देखो, 1, 2 पे इन है और 4 पे आइन है, तो आप ध्यान से देखो पहले ई आएगा अल्फाबेटिकल में, तब उसके बाद वाई आएंगे, तो 2 पे ई और वाई, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा, ध्यान से देखो वाई के बाद ई आ रहा है, इसलिए ये गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि यहाँ पे हमें इस स्ट्रक्चर का नेमिंग करना, राइट। और बहुत सारे बच्चे तो इसको देख करके डर जाते नहीं करते, जबकि मैं सिंपल ट्रिक से बता रहा हूँ, देखो बहुत इजीली आप कर लोगे। सबसे पहले एक पॉइंट हमारा ये भी है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है, तो करोगे ना, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या क्या है, एन एच और ए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो ये ऑप्शन गया। दूसरा ये कि डॉन फंक्शनल ग्रुप कौन है इसमें, या प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन आएगा, एल्डिहाइड, तो क्या होगा, बेंजल डिहाइड होगा, राइट। बेंजल डिहाइड मतलब बेंजीन एल्डिहाइड, तो यहाँ पे ध्यान से देखो नाइट्रोजन जल डिहाइड कर दिया है, तो ये गलत होगा क्योंकि नाइट्रो को दे दिया, यहाँ पे भी वही चीज़ क्या है, तो ये दोनों गया, तो बचा कौन, खत्म। ध्यान से देखो बाकी चीज़ मैंने सोचा ही नहीं, तो बहुत ईजी। और यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, तो ध्यान से देखो ए उसके बाद एच उसके बाद एन फॉलो हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
ऐसे क्वेश्चन के बारे में बता रखा हूँ कि ये डॉन फंक्शनल ग्रुप है आपका राइट, और प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले भी आता है, लेकिन ये पेरेंट चेन में नहीं आ पाएगा क्योंकि साइड चेन में आ गया राइट। तो आपको इसका नाम इज्जत से भी लिखना पड़ेगा, यू नो ऑलरेडी। इसको कैसे लिखेंगे हम, तो साइक्लो वर्ड तो लगेगा, साइक्लोपेंटेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, साइक्लोपेंटेनोइक एसिड, तो ये गलत हो गया, साइक्लोपेंटेनोइक एसिड से गलत हो गया। आप ध्यान से देखो, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये एक चांसेज है, यहाँ पे भी पेंटेनोइक एसिड, और ये तो पेंटेनोइक कार्बोक्सिलिक, ये दो दो वर्तवा ओइक, तो ये तो वैसे ही गया राइट। और चूंकि आपका डॉन फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में नहीं आ पा रहा है, तो इसका नाम इज्जत से लिखना है, तो क्या लिखना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, बी। अब ध्यान से देखो, और नंबरिंग कैसे करते हैं, 1 2 3 4, 4 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल। तो आई होप मेरा फंडा आप समझ रहे होंगे, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ जाते जाते, आपको आयुपैक नेमिंग जहाँ पे भी आए तो आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप रफ़ी सर के ट्रिक से बहुत इजीली कर सकते हैं। ऑप्शन को एलिमिनेट करना है वाया वो जो 4 पॉइंट दिया है, कि डायरेक्ट आप रफ़ी सर का ट्रिक अपनाओ और आंसर पाओ।